साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयम् मण्डली पीठत्रयम् भैरवम् सिद्धौ पटकत्रयम् प्रतिमुं त्रिविक्रम मण्डलम् वीराणां चतुष्षष्टिश्चतुष्षष्टिनामकं वीरावली पञ्चम श्रीमन्माणि मन्त्रासहितं वन्दे गुरोर् मण्डलम्। मैं परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज इस सौभाग्यदायक मातंगी साधना शिविर का आयोजन आज ज्येष्ठ चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन इसलिए करना चाहा कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला यह मुहूर्त नियम से रहने पर यज्ञ से भी लड़ने वाली शक्ति रहने वाला यह सौभाग्य का दिन हमारे साधुओं के लिए दुर्भाग्य को निवारकर सौभाग्य में परिवर्तित करें, इसलिए इस साधना को मातंगी युक्त सौभाग्यदायक साधना शिविर मैंने कहा है। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे साधक साधनाएं करते हैं, कोई काली तारा महाविद्या हरी, जब गुरु की साधना करते हैं तो गुरु को त्वे माता च पिता त्वे त्वे बंधु च सखा त्वे त्वे विद्या रणे त्वे त्वे सर्वमादेव देव कहते हुए अपने गुरुदेव को माता पिता आदि सभी मानकर हम पूजा करते हैं। मानना अलग है और उनकी चरणों में उस तरह झुक जाकर प्रणाम करते हुए साधना करना अलग है। उसी तरह दशमा विद्याओं की साधना करते समय तो आज रामकृष्ण परमहंस ने महाकाली को माँ के रूप में आराधना की, जो अपने आप को भैरव समझता है, महाकाल समझता है, काली को शक्ति के रूप में साधना करता है। वो माँ ने कहता, माँ काली ने कहता, वो शक्ति स्वरूप में साधना करता है। तारा की साधना बहुत इस तरह करते हैं, हम किस तरह करते हैं, तारा को पमाक्षिमा की साधक ने माँ के रूप में सिद्ध किया था। इन सभी साधनाओं को सिद्ध करने का अपना अपना तरीका है। बाला त्रिपुर सुंदरी, षोड़शी त्रिपुर सुंदरी या फिर अपने संसार में इन त्रिपुर सुंदरियों को जैसे षोड़शी त्रिपुर सुंदरी में, ललिता त्रिपुर सुंदरी में, बाला त्रिपुर सुंदरी में, बाला त्रिपुर सुंदरी का अर्थ होता है त्रिपुर सुंदरी को बाला के रूप में, छोटी बालिका के रूप में आराधना करना। षोड़शी त्रिपुर सुंदरी को शक्तिवान साधक, मैं शिव हूँ तो षोड़शी त्रिपुर सुंदरी जो यौवनवान त्रिपुर सुंदरी है और वो साधक करता है उसे ना माँ कहते हैं और ललिता त्रिपुर सुंदरी को माँ के रूप में आराधना करता है। ऐसी ही एक साधना है मातंगी साधना, माता अंगी यानी अपने अंगों को माता के रूप में रक्षण करने वाली मातंगी साधना है। मतंग महामुनि थे, मतंग महामुनि ने जब बुद्धापे में साधना करते करते बूढ़े हो गए तो उन्होंने अधिपराशक्ति की माता को कहा कि हे माँ, तुझे मैं माँ नहीं कह सकता, माँ का इतना सेवा नहीं कर सकता क्योंकि इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता, शक्ति के रूप में तेरी साधना नहीं कर सकता क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ, तुझे तृप्त भी नहीं कर सकता। अब एक ही एक बचा है, तू मेरे बेटी के रूप में आ जा, मैं तेरी साधना करता हूँ, बेटी को हंसते खेलते हुए अगर मैं देखूँ तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुझे बेटी के रूप में आकर मुझे प्रसन्न हो जा। आगे मैंने प्रार्थना की तो आई भाषण की छोटी सी कन्या के रूप में उनके पास आए, इसलिए मातंगी को मतंग कन्या कहा गया है। मतंग महर्षि अपने इससे उनका कोई कौन सा था ना, वो ब्राह्मण थे, नक्षत्रिय वैश्य भी नहीं थे, वे एक साधारण व्यक्तित्व थे और उन्होंने मातंगी को मातंगी माता कन्या के रूप में सिद्ध किया मतंग रूप में। तो उनके पास उनकी सेवा करने वाली एक शबरी नाम की बूढ़ी औरत थी, वह उनकी तपस्या में उनकी साधना उनकी सेवा करती थी, बहुत सारी सेवा की। तो मदन मोहन ने कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैंने सेवा इसलिए की कि आप प्रसन्न हो, आपकी साधना तपस्या में किसी प्रकार का कष्ट ना आए, इसलिए मैं आपकी सेवा करती हूँ। उन्होंने कहा कि सभी लोग कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, तू तो बोल, तेरी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ, भगवान को देखना चाहती हूँ, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इस त्रेता युग में भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर आ रहे हैं, वो दुष्टों का संहार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तब तक तू रहेगी या नहीं रहेगी उस भगवान को अगर तू दर्शन करना चाहती है तो तू यह
ya Sadhana kan? Menikah kamu si Sadhana. Toh menikah lagi, मैंने जिस देवी को जिस शक्ति को बाला के रूप में कन्या के रूप में सिद्ध किया है उसको पूछो तुझे बताए वो कन्या को उन्होंने कहा कि वो कन्या के साथ बोली ये भी शक्ति है हाँ मैंने इसको सिद्ध किया है तो मैं कहूँगा कि कन्या मातंगी आई और शबरी ने पूछा कि मुझे भगवान को प्रत्यक्ष देखना है इसके लिए आप कौन सी साधना मुझे प्रदान करी तो उसने मकर कन्या ने वो कुछ खा रही थी वो निकालकर शबरी के मुंह में डाल दिया शबरी के मुंह में डाल दिया शबरी को मंत्र नहीं आता था संस्कृत बोलने नहीं आता था उसने जैसा ही अपना उच्चिष्ट लेकर उसके मुंह में डाल दिया शबरी ले ली और ने कहा तुझे यह मंत्र करना है एक विशिष्ट मंत्र ने उसको दे दिया तो वह तभी उस मंत्र को बोलने लगी इसलिए जब यह मंत्र उसने उनको दिया वो संतोष के साथ रहने लगी लेकिन जब मदन मोहन ने कहा इसकी खुशी को देख कर लगता है कि जैसे इसके बाद भगवान आएंगे मुझे विश्वास नहीं इसके बाद भगवान आएंगे राम कहाँ वो अयोध्या में रहने वाले अवतारी पुरुष और यह इतने जंगल में रहने वाली कहीं दूर इसके पास राम किस प्रकार के दर्शन देंगे लेकिन शबरी को विश्वास था कि मुझे भगवान दर्शन देंगे आज हम भगवान के दर्शन के लिए साधना करते हुए चारों धाम यात्रा करते हैं मानसरोवर जाते हैं और कहीं जाते हैं फिर भी अपना इतना जाने में इतना कष्ट करने पर भी कोई ये अपने पूर्ण शक्ति के साथ या पूर्ण विश्वास के साथ ये नहीं कहता कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा कोई कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं लेकिन शबरी को यह था कि मदन कन्या ने मुझे आज उसका उच्च दिया मैं जरूर सिद्ध हो जाऊंगी मुझे जरूर भगवान दर्शन देने आएंगे यह उसका विश्वास थोड़े दिन के बाद मदन महर्षि अपना शरीर छोड़ दिए जब शरीर छोड़ दिए तो वो अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर ज्योति के रूप में वहाँ रहने लगे और उस शबरी ने उस ज्योति के रूप में ही उनकी पूजा बहुत दिनों से करती थी जब मदन महर्षि अपना शरीर छोड़ रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का कैसा इंतजार करूँ जो आएंगे बोले भगवान को श्रेष्ठ होते हैं तेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ समर्पण कर देकर भगवान का स्वागत करें तो वो रोज अपने जंगल में जाती थी जंगली फूलों को तोड़कर लाती थी सारे फूलों को अपने झोपड़ी के सामने डाल देती थी उसको बहुत सजाती थी उसमें देखती थी कोई काटा तो नहीं भगवान को काटा चुभ जाएगा वो उसको सबको वहाँ फूलों को डालकर भगवान का इंतजार करती थी और अपने घर में अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ला कर रखती थी और देखती थी आज भगवान आएंगे ऐसे उसके 100 साल गुजर गए रोज उसके फूल निकालना रोज आकर फल फूल रखना और भगवान का इंतजार करना एक दिन वह आया ही आया कि प्रभु रामचंद्र जी वहाँ से गुजरते गुजरते आए और उनको पता चला कि यहाँ मदन महर्षि तपस्वी होकर गए और उनके ज्योति के रूप में दर्शन है तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा चलो मदन महर्षि आश्रम है यहाँ उनका दर्शन लेने जाएंगे लक्ष्मण जी उनके साथ गए मदन महर्षि के जैसे आश्रम में आए उन्होंने नमस्कार किया तो वहाँ कुछ नहीं लिखा वो वहाँ से देखते हैं तो दूर शबरी की झोपड़ी लिखी तो रामचंद्र जी ने पूछा कि मदन महर्षि का आश्रम क्या है उसको पूछ आए रामचंद्र जी देखा कि सब फूल डाले हुए तो उन्होंने कहा शायद इसी रास्ते से मदन महर्षि उस झोपड़ी में जाकर रहते होंगे और वो वहाँ खड़े रहे और बुलाए कि भाई मदन महर्षि का आश्रम कहाँ है शबरी बाहर से आई और कहा कि आप कौन जब शबरी को देखा तो प्रभु रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आए उन्होंने कहा कि तू जिसका इंतजार कर रहे हैं वो वही है क्योंकि रामचंद्र जी ने पहचान गया था उसकी तपस्या का उन्हें अर्थ हो गया था तो उन्होंने कहा आप त्रेता युग के राम हैं अयोध्यावासी राम हैं तो उन्होंने कहा हाँ अरे वो आई उसके आनंद के अश्रु उसके आंखों से गुजर रहे थे उसने उनका पाद प्रसारण किया और कहा कि आइए आप मेरे छोटी सी झोपड़ी में आइए राम कृष्ण दोनों मिलकर अंदर गए बैठे उनकी पाल पूजा की सब किया और बाद में रामचंद्र जी को बिठाकर बैठो मेरे पास मैंने फूल फल तोड़ के लाए अब वो जब फल निकालने लगी तो उसको एकदम संशय हुआ कि कहीं खट्टे तो नहीं है मेरे प्रभु राम खट्टे फल तो नहीं खिलाऊंगी एक एक चबाती थी और रामचंद्र जी को देती थी रामचंद्र जी लिए उसका दिया हुआ चौड़ लक्ष्मण जी उसको हाथ हो गए प्रभु ये क्या कर रहे हैं वो बूढ़ी औरत जंगली औरत उसका झूठा खा रहे हैं आप रामचंद्र जी कुछ नहीं थे
रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, वो जैसा देती गई रामचंद्र जी खाते गए। तो शबरी ने एक फल उठा के लक्ष्मण को भी दिया, लक्ष्मण ने पीछे रख दिया, खाए नहीं, लक्ष्मण को झूठा फल। तो शबरी आज से ही पूजा सिद्ध हुई और वो कहने लगी कि प्रभु आज मेरे ऋषि मेरे गुरु बताने महर्षि ने कहा था कि आपका दर्शन मुझे होगा, आज मुझे हो गया, बस मुझे मुक्ति दे दो, अब मैं इस संसार में जाऊँ, मुझे कुछ देखना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दे दो। तो बोले चल तेरे गुरु के पास जाए। राम लक्ष्मण और शबरी सब लोग गए। शबरी ने कहा कि मेरे गुरु यहीं रहते हैं। रामचंद्र जी ने प्रणाम करते हुए बतंग महर्षि को कहा कि मैं अयोध्या से राम आया और दुष्टों की संहार के लिए रावण ने पत्नी को उठाई गया और दुष्टों की संहार के लिए आया हूँ। तो एकदम वहाँ से ज्योत निकली और मदन महर्षि ने रामचंद्र जी को भी नमस्कार किया और कहा प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा कहने के बाद शबरी रामचंद्र जी जब ज्योति को नमस्कार कर रहे थे, लक्ष्मण देख रहे थे कि प्रभु किसके साथ बात कर रहे हैं, लक्ष्मण को कुछ देख नहीं रहा। इधर शबरी नमस्कार कर रही थी, रामचंद्र जी भी नमस्कार कर रहे थे, रामचंद्र जी मदन महर्षि से बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो भाई को बोले भाई तू किसके साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें नहीं दिख रहा है। रामचंद्र जी देखकर हंसे, बोले यहाँ मदन महर्षि ने ज्योति के रूप में। बोले भैया मुझे नहीं दिख रहा है, मदन ज्योति नहीं है, कुछ नहीं आपको कर रहे है। तो लक्ष्मण तूने शबरी का दिया हुआ बेर खाया? बोले नहीं खाया, मैं झूठ था, झूठा नहीं खाया, इसके तुझे दर्शन नहीं हो रहा है, तू झूठा बेर खाया। सच है भैया, मैं तो मुझे तो दर्शन हो रहा है। तो उसने शबरी के पास गए और कहा कि भाई को दर्शन नहीं हो रहा है मेरा, बेर दे दे झूठा, तुझे दाग नहीं दूंगी, तूने जहाँ बेर डाला है वहाँ लेके आके खा गया है। लक्ष्मण को कहा इसकी छोटे बेर में इतनी शक्ति है। हो गए और उस बेर को उठाकर जैसे ही लक्ष्मण आए और नमस्कार किया, ज्योति के रूप में मदन महर्षि का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्या है प्रभु, आप आज तक किसी का झूठा नहीं खाया? उसने कहा तूने कहा मदन मुनि की कन्या मातंगी ने इसको झूठा बेर देकर इसको श्रेष्ठ किया है, और जो शबरी का बेर खाते हैं उसको उच्च श्रेष्ठ चांडालिनी कहा गया है। उच्च चांडालिनी चांडाल के रूप में रहने वाली एक दूर अछूत, लेकिन इसका जो बेर खाएगा उसकी वाक सिद्धि होगी, उसको भगवान का दर्शन होगा। यह बात जब लक्ष्मण को लगी तो लक्ष्मण ने शबरी को नमस्कार किया। शबरी ने कहा नहीं आप श्रेष्ठ हैं, आप मुझे मेरा दर्शन मुझे नमस्कार मत करो। जबकि रामचंद्र जी ने नमस्कार किया, लक्ष्मण ने कहा कि मेरी कितनी गलती होगी, जब बड़े भैया ही ऐसा कार्य कर रहे हैं और मैं नहीं करते हैं, मैं संशय में रहा, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने नमस्कार कर लिया। तो शबरी ने कहा प्रभु राम मैं आपके चरणों में नमस्कार करना चाहती हूँ और मैं आज मेरा आखिरी चिंतन आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, ये कि मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे ही शबरी ने रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर रखा, राम शबरी की शरीर से भी ज्योत निकली और अपने गुरु की ज्योत में मिल गई और वो मुक्ति को प्राप्त हो गई। यह सब कुछ लक्ष्मण देख रहे थे तो इसकी श्रेष्ठता समझ नहीं पाए कि प्रभु की कौन सी साधना है, ये कौन सा विधान है, यहाँ इसको कुछ नहीं आता, इसको संस्कृत नहीं आता, वेद भाषा नहीं आती, देव भाषा नहीं आती, जिसने कुछ आराधना नहीं की, जिसने आपको झूठा किया है, तुम उसको प्रसन्न हो, उसको मुक्ति प्रदान कर दिए, ऐसी ऐसी कौन सी साधना यह है। तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा मदन महर्षि ने अली पराशक्ति को कन्या के रूप में सिद्ध किया है लक्ष्मण और उसकी माता जी कहते हैं, हमने तो उसका दर्शन नहीं किया, केवल मदन महर्षि का ज्योति रूप में दर्शन किया है, अब आप माता जी का दर्शन करेंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया अगर वो बालिका के रूप में कन्या के रूप में आली पराशक्ति है और उसको सिद्ध होना इतना तय कहा गया है तो उसका विधान उसका उसी श्रेष्ठता को बताओ। बोले कि वो अपना झूठा जिसको देती है जिसको खिलाती है वो वाक्सिद्धि प्राप्त होता है, उसको वाक्सिद्धि प्राप्त होती है और वो श्रेष्ठ कहलाया जाता है, उसको ज्योतिष की विद्या आने वाले कल का ज्ञान ये सारे होने लगते हैं जिसने मातृकी को सिद्ध किया। तो उसने कहा प्रभु फिर आज आपने वो मातृकी का दर्शन होगा? तभी कहा प्रार्थना तो करेंगे, पहले बताओ महर्षि को प्रार्थना की, कभी मातृकी का मातृकी देवी की प्रार्थना करें, और ने मातृकी देवी की प्रार्थना आरम्भ की। तो रामचंद्र जी ने देखा कि वीणा वादन करती हुई खेलती हुई कूदती हुई मातंगी सामने आई।
सामने जिसाई आई पतनी देवी को रामचंद्र ने प्रदक्षिण नमस्कार किया होगा कि हे देवी मैं अयोध्या से निकला हुआ आज इतनी दूर आया आ रहा हूँ इतनी दूर आया हूँ आज तक अगर मुझे कल क्या होने वाला यह पता होता तो आज मेरी सीता भागी नहीं है सीता को राम उठा के नहीं ले जाता आज मैं सोने के हरण को देखकर भ्रम में नहीं पड़ जाता कि उसके पीछे भागना है मेरे को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है आगे क्या होने वाला है इसका ज्ञान नहीं रहने के कारण आज पिता को छोड़ के आया भविष्य में राज्याभिषेक करने के लिए मैं गया और मेरा राज्य छूट गया ये भविष्य का ज्ञान मुझे नहीं है कि मातंगी मुझे वह ज्ञान तुम्हें तुम दो जिसको ज्योतिष में आने वाले भविष्य का ज्ञान कहा गया है मातंगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये झूठा फल ले लो और उन्हें मातंगी से आज्ञा ली तब कहीं रामचंद्र जी को ज्योतिष का ज्ञान भविष्य का ज्ञान हुआ क्यों कि आप रामायण पूरा पढ़ के देखो बचपन से लेकर वैशिष्ट विश्वामित्र आदि ऋषि सभी को सभी के पास विद्या रामचंद्र जी ने बाण विद्या हो सारी विद्याएं सीखी लेकिन रामचंद्र जी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होने के कारण यह बात प्रभु ने सद्गुरुदेव जी ने भी कही थी वशिष्ठ ऋषि जो उनके गुरु थे कुलगुरु थे वशिष्ठ को भी भविष्य का ज्ञान नहीं था उन्होंने अपने ही जीवन में योग वशिष्ठ लिखा योग वशिष्ठ नाम का पुस्तक भगवान वशिष्ठ जी ने लिखा योग वशिष्ठ में शरीर की दृढ़ता शरीर को वज्रकाय बनाना बाणों की विद्या अरे सब कुछ कहा था लेकिन वही वशिष्ठ जब रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक का मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त गलत निकला और रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा आज उनके पुत्रों का या उनके पुत्रों का जन्म होना तो ये करने वाले ऋषि भ्रु थे जिन्होंने पुत्र का अभिषेक नहीं किया था क्योंकि वशिष्ठ जानते थे मुझे भविष्य नहीं आता भविष्य का ज्ञान नहीं होता तो इस ज्ञान को भविष्य अपने वशिष्ठ महर्षि से रामचंद्र जी ने नहीं पाया था वशिष्ठ को ज्ञान था ऋषि कहते थे कि योग वशिष्ठ के बाद जब यह ज्ञान नहीं हुआ तो वशिष्ठ महर्षि ने ब्रह्मा की आराधना की और यही मानने की साधना की बाद में उन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी बाद में उनको ज्योतिष का ज्ञान हुआ भविष्य का ज्ञान हुआ आने वाले कल को जानने का ज्ञान हुआ और यह ज्ञान रामचंद्र जी यहाँ आने के बाद प्राप्त की जब यहाँ आने के बाद उन्होंने प्राप्त किया तब से रामचंद्र जी जहाँ भी जाते थे वो कहते थे कि यहाँ अत्रि महर्षि का आश्रम है हम अत्रि महर्षि से आशीर्वाद लेंगे हम फलाने आश्रम को जाएंगे जब उन्हें लगा कि अगस्त महर्षि के पास जब वे धनुषकोटि पहुंचे यहाँ आज श्रीलंका है जहाँ समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्हें पता चला कि क्योंकि आपको अच्छी तरह ज्ञान है हनुमान जी से भी मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान नहीं अगर तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान होता तो वो सोने की हिरण के पीछे क्यों भाग सोने की हिरण तो ये नकली हिरण है अगर गई तो मेरी सीता चले जाएगी ज्ञान रखते थे लेकिन वो सोने की हिरण के पीछे गए और यहाँ सीता को रावण ने उठा के लगा ज्योतिष का ज्ञान करते होता नहीं होता वैसे ही जब अपने को पति अपने पति को ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने हनुमान जी का सहारा और हनुमान जी ने कहा कि वो लंका दक्षिण में है लंका में रावण ने उसको उठा ले गया तब वो वहां से आए लेकिन जब से उन्होंने शबरी के पास ही शबरी विद्या ली माता की ऊंची छंडा ली विद्या ली रावण जी तब से जब भी गए उन्होंने कहा कि मुझे अगर रावण को जीतना है तो महर्षि अगस्त का वरदान प्राप्त करना है और जब महर्षि अगस्त के पास गए तो महर्षि अगस्त ने कहा कि तो आपको यहाँ आदित्य हृदय स्त्रोत्र को मैं प्रदान करता हूँ जिस स्त्रोत्र को जो तुम्हारी कुलदेवता है सूर्य है तुम सूर्य वंशी हो तुम उस देवता की आराधना करो उस देवता का आदित्य हृदय का स्त्रोत्र पाठ करो तो तुम इस रावण को जीत सकते हो ऐसा जब अगस्त महर्षि ने कहा और तब से रामचंद्र जी आने वाले कल का क्या क्या होता था उनको ज्ञान था किसी को पूछने के लिए न वहाँ वशिष्ठ महर्षि थे न कोई नहीं थे और वे मकरण को मारते समय हो या संजीवनी विद्या के लिए सुमेर नाम के उस वैद्य को बुलाने की क्रिया हो लक्ष्मण को बचाने की क्रिया हो या फिर समुद्र में डालने वाले पत्थर के लिए नील और नल की जो पत्थर डालकर राम का पत्थर
पवित्र मनुष्य बनता था, इसके बारे में रामायण में कहा जाता है। इन सारी विद्याओं का ज्ञान राम सिंह जी ने शबरी और माता की विद्या के बाद भी प्राप्त किया। पहले हमने कभी भी ज्योतिष विद्या में या आने वाले कल के भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में यह ज्ञान राम सिंह जी को माता की विद्या या उच्छिष्ट चांदी विद्या या शबरी की झूठी पेद खाने के बाद, अभी हम रामायण के द्वारा पढ़ के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि राम सिंह जी कब वर्तमान और भविष्य के बारे में सिद्ध। रामचंद्र जी जैसे विद्वान मनुष्य को ही इस उच्च जानकारी और माता की विद्या से सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ऐसी विद्या कितनी श्रेष्ठ है। यही कारण हुआ आज हम वट सावित्री नाम के शिष्य सौभाग्यदायक पद को करते हैं सारी स्त्रियाँ। सावित्री नाम की एक राजकन्या जिसने सत्यवान नाम के एक राजा के पुत्र को शादी कर ली थी, लेकिन वो बचपन से भी पटवृक्ष की पूजा किया करती थी। पटवृक्ष की पूजा 16 धामों से पूजा किया करती थी और उससे कहा गया था कि तुम इस पटवृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य को प्राप्त करो। लेकिन सत्यवान के आने के बाद जैसे ही सावित्री के घर गए, उनके शास्त्र दोनों अंधे थे और उन अंधों के कारण उनका राज्य दूसरे लोगों ने लूट लिया था और सत्यवान ही गरीब हो जाता था, गरीब था और रोज लकड़ियाँ काटते रहता था, झोपड़ी में गाँव के बाहर रहा करते थे। सावित्री अपने पूजा निष्णात थी, अपना नियम और चला रही थी कि पटवृक्ष की पूजा करना ही चाहिए सौभाग्य के लिए, वो कर ही रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सत्यवान लकड़ी तोड़ने गया और वह शाम के काटने के कारण अपने प्राणों को छोड़ दिया। तब यह आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा थी, वो अपना पूजा करती थी। जब उसे पता चला कि सत्यवान की मृत्यु हो गई है, वो नियम में थी कि पटवृक्ष की पूजा करे, उसको लेने लगा कि मैं सौभाग्यदायक व्रत कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब सत्यवान को लेकर आया तो उसको शाम काट के उसके प्राण मृत्यु हो गए हैं, तो सावित्री पटवृक्ष के पास ही अपने पति को अपने पास लेकर यह बात कर रही थी, अपनी गोदी में लेकर कह रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सौभाग्य का व्रत रहती, मैं नियम से इस व्रत को करती हूँ, तो ये ऐसा कैसे हुआ। तो वो वटवृक्ष की प्रार्थना कर रही थी और वटवृक्ष के पत्ते उसके ऊपर गिर गए। वटवृक्ष की प्रार्थना करके उसने कहा कि मैं नियम में थी तो इसका कैसा, इनको कैसा ले गया। तो उतने में यमदूत आए और कहा कि हम इनके प्राणों को ले गए हैं, अभी इनके आत्मा को लेकर जा रहे हैं। इसे सामने आए वटवृक्ष से विष्णु भगवान वट में वास करते हैं, उन्होंने वर्षाई कहा गया है या वट पे पटके वृक्ष पर, प्रलय काल में पटके वृक्ष पर हो अपना शयन करते हैं। ऐसे विष्णु को विष्णु के दूत आए और यमदूतों को भगा दिए, यमदूत भाग के चले गए। ये सारा दृश्य सावित्री अपनी आंखों से रोते हुए देखे। जब सारे यमदूत जाकर भगवान यम को कहा कि वहाँ जाकर हम जीत नहीं सकते हैं, वो वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए और वहाँ विष्णु दूत ने हमें भगा दिया। स्वयं यम आए, यम आकर कहा कि हे बेटी, तू जो कर रही है ये ठीक नहीं है, आज के दिन तूने जो यह कार्य किया है ये ठीक नहीं है। हर मनुष्य जो पैदा होता है वो मर जाता है, आज मैं तुम्हारे पति का अंतिम दिन था, मैं प्राणों को लेने आया हूँ, तुझे जो चाहिए तू मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा आप मुझे क्या देंगे, जिसका पति ही ना हो उसको तुम क्या देंगे, जिसका पति सामर्थ्यवान हो, जिसको पूजा करने का अधिकार हो। आप मुझे कोई इच्छा मांगने से पहले जिस वटवृक्ष के नीचे बैठी हूँ, जिसका मैंने नियम के साथ पालन किया है, उस वटवृक्ष को पूछो कि मुझे क्या चाहिए, मैंने ये व्रत किस लिए किया है। वहाँ विष्णु दूत खड़े हुए थे, उसने कहा ये सौभाग्यदायक व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया है। उसने कहा माना दुर्भाग्य ऐसा था कि मेरे सास ससुर जिसका राज्य छीना गया उनको अंधा बना दिया गया, जो मेरा पति है वो राज्य पुत्र था उसके पास से सब कुछ छीना गया, राज्य छीना गया, आज हम इस झोपड़ी में रहते हैं, मुझे उसका भी दुख नहीं है, यहाँ अभी हम सुखी हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, फिर भी हमें ये क्यों भोगना पड़ रहा है। और मुझे वटवृक्ष के पास जिस ऋषि ने मुझे यह नियम दिया था कि जो सौभाग्यदायक व्रत इस नियम को तेरे जीवन में नहीं छोड़ना, तो इस नियम को करना, मैं उस दिन से नियम रखती हूँ। और वो और कहीं महर्षि मदन ही थे जिन्होंने कहा था कि तू नियम से वटवृक्ष की पूजा कर। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ कि बताए महामुनि महामुनि यह नियम करते हुए कहा था कि तू अगर यह नियम करती है, वटवृक्ष की पूजा का नियम करती है, तो तेरा यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे यमधर्मराज, आज मैं उस नियम में बैठी हुई हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पति को देना नहीं दे जा सकते। जबकि आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे बच्चों से शादी होने से पहले भी मैंने एक रखती हूँ कि मैं वृक्ष की पूजा करते हुए मतलब महर्षि का दिया दी हुई साधना में यही करती हूँ और इस वृक्ष की पूजा करती हूँ। मैं श्रेष्ठता के साथ कहती हूँ कि मेरा सब कुछ मैं प्राप्त कर सकती हूँ और मदन मामले की कृपा में है और मुझमें यह शक्ति है तो मैं सब कुछ प्राप्त करूँगी। तब जब हम कहते हैं कि पुत्र के क्या चाहिए मैं लेने के लिए दिया, वो कहते हैं पति के प्राणों के सिवा मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। उसने कहा तो तू कहती है तो तेरे सास ससुर का राज्य प्रदान कर दूंगा, तेरे सास ससुर ससुर के आंखें नहीं तो आंखें प्रदान कर दूंगा। जैसा ही इंद्रनाथ ने कहा सास ससुर की आंखें आ गई, उसने जो राजा लूट कर आया था उस राजा को हार लिया और राजा आकर उस राज्य को सौंपने के लिए आ गए। और क्या तुझे सब दे रहा हूँ मेरे पति के प्राण दे। उसने कहा मैंने मांगा ही नहीं, तूने लिया है, तूने लिया है सास ससुर को आंखें दी है बहुत अच्छा है, तूने राज्य दिया बहुत अच्छा है, मुझे तो मेरे पति के प्राण चाहिए उससे कुछ नहीं मैं तुझे नहीं दूंगी, तुझे चाहे तो इसके बदले में मेरे प्राण ले लेकिन मैं मेरे पति के प्राण जाने नहीं हूँ। तब वटवृक्ष से भगवान विष्णु आए और कहा कि आज से मैं तुम्हें कहता हूँ जो इस मतंग साधना को इस नियम को करता कम से कम रोज ना करें आज के दिन इस वटवृक्ष की पूजा इस मंत्र के साथ करता है उसके जीवन में कभी असौभाग्य नहीं आएगा, उसको उसके जीवन में जो खोया है वो पुनः प्राप्त करेगा, उसके घर में धन ऐश्वर्य सब कुछ की प्राप्ति होगी, सारे रोगों का निवारण होगा और सौभाग्य प्राप्ति की स्त्री हो या पुरुष हो जो इसका नियम का पालन करेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे भगवान विष्णु ने कहा और यमनर्वाण को कहा कि अब आप यहाँ से बिल्कुल चले जा सकते हैं। तब यम को यह बात करते हुए विष्णु भगवान ने कहा कि जो इस व्रत को करता है तुम्हें मुझे वचन दो कि उसको कभी भी उसके घर में दुर्भाग्य नहीं रहेगा कि मुझे वतन दो। लेकिन हमारे पास हम क्या करते हैं वट सावित्री की पूजा करते समय केवल वट की वृक्ष की पूजा करते हुए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मतंग महामुनि की कन्या मतंग महर्षि ने दिया हुआ मंत्र अगर हम वटवृक्ष के पास केवल एक बार भी उसके पत्ते पर गंध से लेकर वो वटवृक्ष के समीप अगर हम देते हैं दे देते हैं तो हम उस नियम को प्राप्त करने वाले सौभाग्यदायक व्यक्ति कहलाते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ कितनी ही पाप कर्म किए कई कर्म कैसे भी हो लेकिन उन सारे कर्मों को आज धो देकर हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे उस मतंग महर्षि ने जो सावित्री को मातंगी कन्या का जो व्रत जो मंत्र दिया था वो मंत्र श्रेष्ठ कहलाता है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ आज हम पंचांग को देखते हैं कि वटवृक्ष की पूर्णिमा उसी दिन पूजा या साधना करनी चाहिए जो चतुर्दशी पूर्णिमा आज रात का दिन है, आज भी दोपहर दो तक चतुर्दशी थी उसके बाद पूर्णिमा आ रही है। ऐसे दिन ही वट सावित्री की जो सावित्री ने पूजा की थी इसे वट सावित्री की पूजा कहते हैं, वटवृक्ष की सावित्री ने जैसे पूजा की थी उस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा गया। तो उस व्रत को आज के दिन इस विधान के साथ जो स्त्री हरे कपड़े पहनकर कम से कम हरे कपड़े नहीं तो हरी हरा कपड़ा भी एक पास में रख लेकर वटवृक्ष के पास जाकर उसको 16 बार प्रदक्षिणा करते हुए धागा लगाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके वटवृक्ष के पत्ते पर इस माता के मंत्र को लेकर कोई नैवेद्य ला देते हैं तो कभी भी असौभाग्यवान नहीं होगी सौभाग्यदायी कहलाई जाएगी। ऐसा काम है चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो उसके जीवन में दुर्भाग्य भी लिखा हुआ तो सौभाग्य बदलता है ऐसा काम है। तो आज इस विशेष दिन मैं उस माता की साधना को इससे सौभाग्यदायक माता की साधना कहा। प्रभु रामचंद्र जी ने भी माता की साधना को संपन्न किया बाल्य में श्रेष्ठ कहलाए अपने सीता को प्राप्ति की और उन्होंने उन सारी चीज़ों को किया जो हम इस संसार में ले सकते नहीं ले सकते। इसके साधक बहुत सारे साधक हुए आपको पता है भगवान जिस ऋषि को हम विश्वामित्र कहते हैं वाल्मीकि कहते हैं वाल्मीकि तो आपको पता है एक पहले पूर्व आश्रम में या पूर्व जीवन में वे चोर थे और उनको चोरी करके लूट कर खाते थे। भगवान नारद ने उनको मंत्र देकर उनको ऋषि का पद दिया था। फिर बाद में अपना तपस्या करते हुए जिनके ऊपर वाल्मीकि यानी सांप का बिल उनके ऊपर आ गया था और वो नारदमाश निकालने के बाद वे वाल्मीकि कह रहे हैं। ऐसे वाल्मीकि ने भी ये साधना संपन्न की थी और माता सीता को भी कहा था कि तू ये साधना संपन्न कर। ये साधना वाल्मीकि को संपन्न करने के बाद वाल्मीकि ने कहा कि माँ तू मुझे दर्शन दे मैं तेरी सेवा कर सकूँ ऐसा कुछ ना कुछ होता। तब वाल्मीकि महर्षि को मतंग की कन्या मातंगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा मैं तेरे घर में आऊँगी, मैं इस पृथ्वी पर लक्ष्मी के रूप में आई हूँ और तेरे आश्रम में आकर ही निवास करूँगी और यहाँ से ही चली जाऊँगी।
और वे सीता के रूप में आई। वाल्मीकि ने सीता को बेटी के रूप में आराधना किया और उन्हें वो रामायण लिखा, जो आज आप सब लोग जानते हैं वाल्मीकि रामायण के बारे में। वाल्मीकि रामायण ने अपने भविष्य को रामायण होने से पहले ही रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि रामायण उनको पता था। आपको तो आपको भी पता है लव कुश जब वाल्मीकि के रामायण में वाल्मीकि के आश्रम में पल रहे थे तो वह रामचंद्र जी के अयोध्या में जाकर उन्हें रामायण की कथा गाई थी, आप सबको पता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिखा, बाद में रामायण हुआ। भविष्य का ज्ञान रखने के लिए जो ज्ञान जो देने की क्रिया देते हैं उसे माता की साधना या मदर कन्या की साधना कही जाती है। जो अपने भविष्य को देखना चाहता है या उज्ज्वल करना चाहता है या भविष्य में आने वाले संकटों को निकाल कर उसको एक सही मार्ग पर ले जाने की क्रिया चाहता है वो इस माता की साधना करता है। इसका उदाहरण स्वयं वाल्मीकि है, जिन्होंने उनके बालिका के रूप में सीता को अपने आश्रम में रखा, उनकी देखभाल की, उनके पुत्रों के जन्म के बाद उनको रामायण को सिखाया और वो रामायण लिखने वाले प्रथम कवि कहलाए वाल्मीकि। जो माता की साधना करता है उसकी बात से भी होती है। वो पहले कवि वाल्मीकि से गए, उसके पहले रथ था या नहीं था, महर्षि व्यास आने के बाद 18 पुराण कहलाए गए। तब तक की विद्या सभी मुँह से ही गुरु शिष्य को देता था, शिष्य उसका पाठ करता था, लेकिन वाल्मीकि आने के बाद ही लिखना शुरू किया और वाल्मीकि प्रथम कवि कहलाए। जो माता की साधना करता है वो विद्यावान, बुद्धिमान, चरित्रवान और स्त्रियों के प्रति बहुत ही उदार भावना रखने वाला, बहुत ही श्रद्धावान कहलाता है। और जो माता की साधना करता है वह संसार का सर्वश्रेष्ठ साध इसलिए कहता है कि स्त्रियों को बालिका के रूप में साधना सिद्ध करता है। ऐसी माता की साधना जो आज के दिन अपने जीवन में करते हैं उसको भविष्य का ज्ञान तो होता ही है, वैसे ही भविष्य में आने वाले संकटों का ज्ञान भी होता है और संकट निवारण के लिए क्या करना चाहिए यह भी माता की साधना आपको बताती है। ऐसी श्रेष्ठ साधना को जो साधक अपने जीवन में करता है वो कभी कष्टों को प्राप्त नहीं करता। अपने आने अब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलिए मेरा क्या होगा, मैं ये बिजनेस करूँ या ना करूँ, ये परीक्षा पास होगी या ना हो, मैं इसके साथ शादी करूँ या नहीं, तो कहीं ये बीवी आकर मुझे मारेगी तो नहीं, बीवी छोड़ के जाएगी तो नहीं, ये सारे प्रश्न मेरे पास रोज बन रहा है कि जीवन में मैं कम से कम 100 प्रश्न रोज यही प्राप्त करता हूँ कि गुरुजी मैं को नौकरी मिलेगी, मैं पास हो जाऊँगा, गुरुजी मेरी शादी हुई, पत्नी मेरे साथ ठीक नहीं रहेगी, या मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, ये रोज मरना के प्रश्न। मैं आपको कहता हूँ इन प्रश्नों से मुझे तंग करने से पहले अगर आप माता की साधना करते हैं तो स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि अपने जीवन में आपको क्या करना है, क्योंकि ये साधना मैंने अपने जीवन में संपन्न की। आज के दिन जिस माता की साधना को संपन्न करता है उसी जीवन में कम से कम आज के दिन अपने गुरु के सामने इस साधना को संपन्न करने के बाद अपने जीवन को किस तरह संवारना है, क्या करना है अपने जीवन में, अपने आने वाले जीवन के कष्टों को किस तरह संवारना है, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो अपने संकटों का निवारण कर सकता है। मातंगी को उचित चांडारण इसलिए कहा गया है कि तुम इस साधना को करते समय कोई सारी साधनाओं में यह कहा गया है कि तुम उपवास रखो, उनमें से कुछ भी मत खाओ, बिना खाते हुए साधना करो, ये करो। लेकिन इस बालिका की साधना होने के कारण माता की साधना में लड्डू खाकर मुँह को झूठा रखते हुए साधना करो, तुम खाना खाने के बाद ही झूठा मुँह रखकर साधना करो, मुझे इसे उचित चांडारण साधना कहा गया। तो हम इस साधना को अगर अपने जीवन में करते हैं तो हम हमारे जीवन में आने वाले कल को, आने वाले संकटों को, आने वाले अच्छे बुरे दिनों को देखते हैं और उसका निवारण करने का विधान जानते हैं। आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा में माता सावित्री ने हो, ऋषि वाल्मीकि जी ने भी हो और सीता जी ने हो, आपको पता है सीता जी ने जब लव कुश को दोनों को जन्म दिया तो वाल्मीकि के महर्षि वाल्मीकि के पास गई और कहा कि अब मुझे कितना दिन जीना होगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा तू जो आराधना करते हो उस देवी को क्यों नहीं पूछती तुझे क्या करना है। तो सीता जी को जब उन्होंने पूछा कि फलाने दिन तेरे राम फिर तुझे दर्शन देंगे, तुझे लेने आएंगे, उस दिन तेरा कर्तव्य है कि तू इन पुत्रों को उन्हें प्रणाम कर दे और तेरा यह जीवन समाप्त हो जाए। जब ये बात होने गई सीता माता को लगा कि रामचंद्र जी जब रहेंगे और रामायण का आप कथा सुन देखते हैं कि राम आए, लव कुश का युद्ध हुआ, युद्ध में सीता जी ने लव कुश को रोका, रामचंद्र जी को जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरा अवतार कार्य हो गया इस वाल्मीकि के आश्रम में, मैं बेटी के रूप में यहाँ रही और मेरा कार्य हो गया है, अब इन लव कुश दोनों को भी आपको सौंपती हूँ और उन्हें सौंप कर अपना जीवन पूर्ण किया। तो हम हमारे जीवन महर्षि वाल्मीकि हो, मतलब महामुनि हो,
शबरी हो, भगवान रामचंद्र जी हो, इन सभी ने भी इन विद्याओं को प्राप्त किया, इस विद्या को माता की साधना से प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह साधना संपन्न की अपने जीवन में। सभी पत्नियों को जब पुत्र होते गए तो सत्यभामा को संतान नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर सत्यभामा ने कहा कि आप इतने बड़े सभी देवताओं को सभी को पुत्र किया, मुझे पुत्र नहीं हुआ, आप इसके बारे में क्यों चिंता नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस विद्या का उपयोग किया और कहा कि मेरे पुत्र किस प्रकार होगा। तो उन्हें कहा कि अगर तू हिमालय में जाता है और तू जाकर साधना करता है उस सांबस राशि की, तो तुझे पुत्र प्राप्त की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर साधना की और अपने पुत्र का नाम सांब रखा, सांब नाम के पुत्र का, जो सत्यभामा के पुत्र कहलाते थे और जिनको आज भी उस क्षेत्र को अश्विनी के पास के उस क्षेत्र को सांबा के नाम से जाना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण उनको सांबा नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि माता की साधना कितनी श्रेष्ठ होती है। कल की ही बात है, कल मैं मुंबई में था, यही समय था, तो एक बहुत शिष्यों का बड़ा दल था जिसमें मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, वो मेरे को मिलने के लिए आए। उनको लगा कि किसने कहा कि अनिल कुमार जोशी आए हैं, वो साधारण व्यक्ति की तरह लिखते हैं लेकिन उनको ऐसा नहीं समझना। वो आते आने के बाद मेरी स्तुति कर रहे थे या क्या बोल रहे थे मुझे, लेकिन वो आके बता रहे थे कि मैं हमें पहले ही बताया गया कि वो कोई दाढ़ी बड़ी पहन के ले रहे थे, कभी आप पैसा भी लेंगे कि टी शर्ट पैंट डालकर जीन पैंट कर निकल जाएंगे, उनको गुरु समझना मुश्किल है, पहले उनको समझने हमें समझना चाहिए। तो मैं ऐसा ही बैठा था, पैंट शर्ट पे ही था बैठा, वो ढूंढ रहे थे कि अखिल गुरु को गुरु कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हम अनिल कुमार जोशी से मिले हैं, तो मैं ही मुझे नमस्कार तो उन्होंने कहा कि हम नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु प्रकाशानंद नाथ जी के शिष्य हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनको बहुत बड़ा आश्रम था, उनके कम से कम कुछ नहीं 2000 शिष्य हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज वे बहुत परेशान हैं और उन्होंने तत्क्षेत्र में आपका नाम सुना है, तो हम आपके पास आए हैं कि हमारे गुरु इतने परेशान क्यों हैं, ऐसा हुआ। और उन्होंने उनका फोटो निकालकर मुझे बताया, आप धर्म है, अब आप हर एक बार आते हैं तो मैं हर एक बार माता की साधना में मंत्र नहीं करता, आप पूछेंगे कि गुरु जी मैं तो वीसा नहीं मिला अमेरिका जाने का, अब मैं माता की मंत्र करूँगी, आपको वीसा नहीं मिला क्या करेंगे, क्या करूँगा, मेरे पुत्र नहीं हुआ, मेरी बीवी सता रही है, उसके लिए माता की साधना थोड़ी करती। लेकिन वह गुरु जो कल तक धर्म का न्याता था, नाथ संप्रदाय का था और उसका स्वयं का मंत्र था, वो नदी के किनारे तपस्या करते हुए उसके पास उसके 2000 शिष्य थे और एकदम खत्म हो गया था, जहाँ उसका कुछ नहीं हो। वो आकर मुझे पूछा, मैं भी खाना खाते हुए बैठा हुआ था कि इतने में मंगवा होता, आकर जब पूछे तो मैंने खाना बाहर रखकर कहा, ये तुम जिसका फोटो बता रहे हो ना, उसके ऊपर उसके शिष्य ने प्रयोग किया है और वो शिष्य स्त्री थी, उनके पेट में एक है और उनके पास एक आदमी ने टिशू लिया था, एक हड्डी दी थी, उसके साथ साथ उनके वो जहाँ रहते थे आज भी वहाँ एक चीज गड़ी हुई है और वो गड़ी रहने के कारण उन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद हो गए, उनका सब कुछ चला गया, उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है और अच्छे नहीं है। ये सारे शिष्य बैठे हुए थे, हमारे गुरु के बारे में ये फोटो देख के ही बतला रहे हैं, के मैं इनके बात बता रहा हूँ, जब तक ये मुझे कन्फर्म नहीं करते आगे क्या करना है मैं नहीं बोलूँगा, तुम पहले तुम्हारे गुरु से पूछ लो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई। अब गुरु को लगाने लगे सभी लोग, मेरे गुरु अपने यार की पैंट शर्ट पर डाल रहा हूँ, मेरे गुरु की इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना तपस्या क्या है, मेरे गुरु पर प्रयोग हुआ है, ये बात कहता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। पहला फोन नहीं लगा, दूसरा फोन नहीं लगा, आखिर में ऐसा वैसा करते समय शाम के 6 बजे फोन लगा, तो मैं बोला तुम्हारे गुरु से बात करने के बाद आके मिलो, मैं क्या करना है मैं बता दूँगा। 6 बजे जैसा ही फोन उनको लगा, 6:15 मुझे फोन आया, मैं बोला कि सात सात बजे तो मेरे को यहाँ आना पूरा के लिए 7 बजे का ये था, 1 घंटा लेट हो गया और मैं बैठा हुआ था उतने में तो अपना, तो मेरा एयरपोर्ट में बैठा हुआ, वही क्या है बताऊँ। बोले गुरु जी
आपसे हमारे गुरु बात करना चाहते हैं। पहले तुम बोल दो, मैं कल सुबह बाद में बात करूंगा, क्या बताओ? नहीं गुरु, ये आपसे वो अर्जेंट बात करना चाहते हैं, आपको जहाँ आप आओगे वहाँ आकर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, क्या बात है? बताओ उनको, पूछेगा जो मैं पूछाऊँ। गुरु जी, आप जो बोले शत प्रतिशत सीधा है, उनके पास हड्डी एक चंगली आदमी लेकर उनको त्रिशूल गया दिया था, वो समुद्र में डाल दिया गया। आज उनकी बीमारी उनके ऊपर प्रयोग किया, जिस स्त्री के बारे में आप बता रहे हैं, वो स्त्री ने उनके सर को तेल लगा दिया था, और वो स्त्री जब से तेल लगाई वहाँ से भाग गई, बाकी उनके दोनों की झगड़ा हुआ और वो स्त्री चली गई। जितनी भी बातें आपने बताई वो सत्य है, और हमारे गुरु वहाँ से मिलना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने उदाहरण लेकर कहता हूँ, अगर माता की विद्या हमारे पास है और ऐसे धर्मों को कष्ट आए तो मन तो उपयोग करें। मैं यहाँ एक ही जगह नहीं, श्री शैलन के जंगलों में भी जो गुरु थे, जब कोई एक धर्मगुरु या एक अच्छा करने वाले आदमी के ऊपर संकट आता है, तब मैं इस माता की विद्या को उपयोग करता हूँ। क्योंकि माता की विद्या को गुरु में पास होता हूँ, तो माता की विद्या को उपयोग नहीं करता, क्योंकि विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए। जब जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आपको कहता हूँ, वो इतना लालायित है आदमी कि आप हैदराबाद कब पहुँच रहे हैं, मैं कब आऊँ? मैं कहा 17-18 तारीख को पहुँच रहा हूँ। बोले 18 तारीख की सुबह मैं आपके पास हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, उदाहरण के साथ कह रहा हूँ कि कल की ही बात है, और कल की उनके गुरु के साथ रहकर और 18 तारीख को हैदराबाद आने वाले। अगर आपके पास ये विद्या हो तो आपके जीवन को संवार सकते हो, आपके जीवन को श्रेष्ठता के साथ दे सकते हो। जबकि इस विद्या में सवाला मंत्र जब करना जरूरी कहा गया, लेकिन आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वटवृक्ष के पत्ते पर अगर हम अष्टगंध से या गंध से या कुंकुम से इस मंत्र को लिखते हैं, और वटवृक्ष के पास बैठकर केवल पांच माला या वटवृक्ष के पत्ते को सामने रखकर यंत्र को रखकर अगर माता के मंत्र करते हैं, तो इस पांच माला से वटवृक्ष के पत्ते से हमारी सिद्धि होगी। और वटवृक्ष का पत्ता जब तक आपके पास रहेगा और आप मंत्र प्रयोग कह करेंगे, हर कृष्ण पूर्णिमा को उस पत्ते को बदल देना है यंत्र के साथ, उसको इस माता की सिद्धि प्राप्त ही प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए मैं आगे सौभाग्यदायक माता की विद्या को आपको प्रदान करने की बात कही। आप सभी लोग आज अगर आपका भविष्य सुधारना चाहते हैं, आपके भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण करना चाहते हैं, तो आज आप यहाँ के आयोजकों से कहता हूँ कि एक वटवृक्ष का पत्ता माता की यंत्र और माता की साधना को लेकर आप मेरे सामने बैठ जाओ। केवल पांच माला जब से इस पत्ते को सिद्ध करके रखूंगा, और जब भी आप संकटों में हाथ छोटी बात को नहीं, गुरु मैं गाँव को जाऊंगी आए मेरे को बस मिलेगी आए, इसके लिए माता की विद्या को उपयोग नहीं करना। माता की विद्या को ऐसे संकट आने पर उपयोग करना जो आपको जब एकदम ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, मैं इस चीज को कर सकता है नहीं कर सकूंगा, जब ऐसा आपको लगता है कि मैं ऐसा काम होगा या नहीं होगा, यह संकट आकर पड़ता है, तब या आपके घर में कोई संकट आया है, आपके बच्चे आपके पत्नी पति का झगड़ा होता है, संसार टूटने की तलाश में होता है, ऐसे संकट काल में इस पत्ते को सामने रखकर केवल पांच बार मंत्र जप करो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको सामने मिल जाएगा। ऐसी साधना जो आज मातंगी सिद्धि साधना माता की सिद्धि दिवस के लिए कहो सौभाग्यदायक माता की सिद्धि साधना को जो आज मेरे सामने संपन्न करेगा, मैं उसको वो शक्ति प्रदान करूँ शक्तिपात दीक्षा से कि वो साधना सिद्ध हो। आप मैं एक 15 मिनट का समय देता हूँ, आप माता की यंत्र और वो पत्ता लेकर आओ, मंत्र और साधना करना मैं आपको बता देता हूँ, गुरु दीक्षा दूंगा और मातंगी मंत्र का विधान भी बताऊंगा। जो इस साधना को करना चाहते हैं वो लोग वटवृक्ष का एक पत्ता और मातंगी का पत्र, मातंगी का यंत्र और माला लेकर आ जाओ, आपके जीवन को संवारने की यह साधना आपके जीवन में दी जाएगी। आप सब लोग यंत्र और पत्ते को लेकर मेरे सामने आ जाइए, तब तक मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। एक